हेलो भाई, मैं हूं अजय। और भाई आज हम बात करेंगे कि हम बारिश में अपनी बाइक को कैसे चला सकते हैं। भाई मैं अभी बारिश से ही अपनी बाइक को चलाते हुए आ रहा हूं। कैमरे में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इतना, बट भाई मैं बारिश में जब आ रहा था ना, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि जब मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बाइक को लेके बारिश में, तो जो नए बिगनर्स होते होंगे उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती होगी। तो भाई वहां पर ही मैंने सोच लिया कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो मुझे फेस करनी पड़ रही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जब कभी आप भी बाइक को चलाओगे तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही ध्यान देना, और गलती से वो चीज़ें अप्लाई मत करना जिसकी वजह से आपकी बाइक स्लिप हो या फिर आपके गिरने के चांसेस भी हो। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भाई कुछ टाइम से ना बहुत से भाइयों ने बहुत सारे कमेंट किए होंगे मेरी वीडियो में, और उन्होंने देखा होगा कि उस चीज़ का ना भाई रिप्लाई नहीं आ पाया। तो उस चीज़ को भाई मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे ना कुछ जो स्टूडियो ऐप होता है यूट्यूब का, उसमें ना कुछ ग्लिच आ रहा था कि मतलब जो कमेंट पे मैं क्लिक कर रहा था उसकी जगह वो रिप्लेस हो जा रहा था, या फिर अंदर से वीडियो में कुछ और ही कमेंट आ जा रहा था, तो जिसके वजह से ना भाई प्रॉपर रिप्लाई हो नहीं पा रहा था। और भाई 3-4 दिन लग गए इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। मैंने पूछा किसी से, फिर बताया उन्होंने, तो उसके बाद भाई आज मॉर्निंग में जाके ये कहीं ना कहीं ठीक हुआ। तो मैंने कुछ भाइयों के कमेंट कर दिए हैं, तो जिन भी भाइयों को लग रहा है कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, भाई ऐसा नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ा। बट डोंट वरी भाई, अब से आप कमेंट करो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस चीज़ का मैं रिप्लाई करूँगा 110%। और भाई जितना हो सकता है मुझसे पिछले जितने भी कमेंट्स हैं उनके भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई उन कमेंट्स में ना आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बाइक सीखते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज़ का रिप्लाई करना भाई ज़रूरी है, नहीं तो आपका डाउट भाई वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर कि भाई हम बारिश में क्या गलती नहीं कर सकते और क्या नहीं करनी चाहिए। भाई मैं अभी आ रहा था रनिंग करते हुए, जैसा मैंने आपको बताया, तो मैंने ना कुछ चीज़ें फेस की हैं जो मुझे लगता है कि आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट भाई जो हमारी ये नॉर्मल बाइक्स होती हैं, डिस्क ब्रेक के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बट भाई नॉर्मल जिनके पास ड्रम ब्रेक्स वाली बाइक हैं उनमें तो भाई मेजर इशू आता है ब्रेक का। सबसे पहला पॉइंट ये है भाई ब्रेक का। अब वो कैसा मेजर आता है मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी बताऊँगा, पर पहले आप एक बार थ्योरी देख लो। देखो भाई, अगर ना जब हमारी बाइक में ना पानी लगने लग जाता है ब्रेक्स पे, मतलब तो उसके बाद ना ब्रेक्स ना लूज़ हो जाती है, मतलब वो एकदम से या तो लगती नहीं है अगर दबाओगे, या तो फिर एकदम से लग जाएंगी, ऐसा लगेंगी कि टायर रगड़ता हुआ जाएगा, और या तो लगेंगी ही नहीं कि बिल्कुल ही फ्री होते हुए जाएंगी। तो इन दो चीज़ों में से भाई एक कारण मोस्टली होता ही होता है। आप कुछ भी कर लो, या तो भाई आपकी ब्रेक एकदम से जम जाएगी, मतलब एकदम से जहाँ पे लगाओगे वहाँ पर ही आपकी बाइक रुक जाएगी, या तो फिर एकदम से फ्री हो जाती है, या तो फिर बहुत टाइम के बाद मतलब आगे जाके वो रिस्पॉन्स करती हैं। पहली चीज़ तो भाई यही है, इसके कारण से भाई आपको स्पीड को भी स्लो चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको पता है आपकी ब्रेकिंग जब परफेक्ट नहीं है, आपको पता बारिश वाला सीज़न है, ब्रेकिंग ऊपर नीचे हो सकती है, क्या पता भाई आपको लगता है कि आपकी बाइक वहाँ जाके रुकेगी और एकदम से सडनली यहाँ पर ही रुक जाए, तो फिर बेकार चीज़ है ना। पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी भाई, उस पर भी आप जाके बच जाओगे, या फिर वो गाड़ी आपके ऊपर आगे बच जाएगी, या फिर आपको लगता है कि अभी आपकी बारिश का टाइम है, आपकी ब्रेक्स एकदम से रुक जा रही है, और फिर आप ब्रेक मारते हो और ब्रेक नहीं लगते, तो सीधा ऐसे जाके गाड़ियों में घुस जाओगे। तो भाई आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली चीज़ भाई, कभी भी बारिश वाले सीज़न में अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप देखोगे सड़कों पे पानी रहता है भाई, वो बार बार ना ब्रेक्स पे लगता रहता है, टायर्स पे लगता रहता है, तो आपको ये गलती भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसके वजह से आपका नुकसान हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट भाई, अगर आपके टायर क्लियर नहीं है, अच्छी विजिबिलिटी वाले नहीं है, मतलब उन प्रॉपर नहीं है, आप समझ गए ना, नए टायर नहीं है, तो कोशिश करो कि लीन मत करो बाइक को, मतलब आप जैसे सीधा चल रहे हो तो स्लो करके ही बाइक को मोड़ो, आप थोड़ा सा भी मत करो, क्योंकि भाई टायर अगर थोड़े से भी फिसलन वाले हुए तो बारिश में टायर स्लिप होंगे, जिसके वजह से आप भी गिर सकते हो और भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। या आप मानते हो ना बारिश के टाइम पे, और जहाँ पे गाड़ियाँ चल रहे होंगे तो भाई वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, अगर मान लो आप सिंगल रोड पे हो जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे तो चलो भाई जहाँ पे आप गिरोगे तो अपनी गलती से गिरोगे, मतलब जितनी चोट आपको लगी, बट किसी रस वाले एरिया में या फिर जहाँ पे गाड़ियाँ चलती रह रही है नॉनस्टॉप, वहाँ पे अगर आप गिरे तो वहाँ पे भाई आप तो गिरोगे, आपके साथ साथ पीछे वाले को भी डिसबैलेंस होगा, क्या पता कौन सी गाड़ी कहाँ जाके ठुक जाए। तो भाई ये गलती मत करो, जितनी सेफ्टी के साथ अगर आप बारिश में बाइक को चला सकते हो तो भाई आप चलाओ। और भाई ये दो मेजर कारण थे। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है, और
तो भाई अब हम रोड पे आ चुके हैं और भाई सड़क को देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि मतलब 4-5 घंटे सुबह से बारिश हुई है, बट ट्रस्ट मी भाई सुबह से लगातार नॉनस्टॉप 4-5 घंटे बारिश हुई है। क्या है ना भाई कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ ना वहाँ पे पानी ना साथ साथ में निकल जाता है, तो जिसके कारण ना सड़कों पे पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होता। यहाँ पे साइड साइडों में आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का, इसके अलावा भाई कहीं पे भी पानी जमा नहीं होता है। तो भाई बात करते हैं कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे भाई मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया कि आपको ब्रेक्स का मोस्टली ध्यान रखना है भाई, उसके अलावा दूसरी चीज़ भाई स्पीड में लेके नहीं जाना है बिल्कुल भी। अब ब्रेक्स का क्यों बता रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ भाई प्रैक्टिकली कि ब्रेक्स के बारे में मैं क्यों बोल रहा था। देखो मैंने दबाया, अब मैं आपको पहले आगे की ब्रेक का दिखाता हूँ। देखो भाई जहाँ पे मैं आगे की ब्रेक मारूंगा ना वहाँ पर ही मेरी बाइक रुक जाएगी एकदम से। ए भाई पता क्या हुआ, रुकी नहीं एक्चुअल में बाइक। अब दोबारा चाहे तो देख लेना, मैंने ब्रेक लगाई बाइक एकदम से रुकी, झटका मारा फिर रिलीज हुई फिर एकदम से रुक गई। ठीक है, मतलब बाइक चली मैंने ब्रेक दबाई आपके सामने, बाइक ब्रेक दबाने के बाद रुकी हल्की सी स्लो हुई उसके बाद एकदम से फ्री होगी। मैंने बोला था ना बाइक ब्रेक का भरोसा नहीं है भाई बारिश में, कि कभी भी फ्री हो जाती है कभी भी टाइट हो जाती है। वो एकदम से लगी फ्री हुई फिर एकदम से रुक गई। आप चाहे तो रिवाइंड करके देख लेना, सेम चीज़ हुई। मैं इसी तो भाई इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जब कभी बारिश वाला सीन होना तो आप कभी अपने ब्रेक के भरोसे इतना कॉन्फिडेंट मत रहो कि यहाँ पर ही रुक जाएगी। ब्रेक का कुछ नहीं पता, डिस्क में भाई रुक भी जाती है भाई। मैं डिस्क वालों को नहीं बोल रहा, बट जिनके पास ड्रम ब्रेक है स्प्लेंडर है इसमें भाई डिस्क ब्रेक्स नहीं आती है, तो इसमें भाई रिस्क वाला काम है क्योंकि ड्रम्स भाई लगते नहीं है। मैंने आजमा लिया बहुत बार, बहुत टाइम से मैं बाइक को चला रहा हूँ, तो मैं आपको इसीलिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जितना हो सकता है आप अपनी बाइक को स्लो रखो। क्यों, मैंने आपको एक छोटा सा दिखाया कि मैंने कितनी की स्पीड पर था भाई। मैं पहले गियर में था 20 की स्पीड रही होगी मुश्किल से, उतने पर ही भाई मैंने ब्रेक मारी। पीछे की ब्रेक मैंने नहीं मारी क्योंकि मैं आपको आगे की ब्रेक का दिखाना चाहता था, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि आगे की ब्रेक बहुत टाइट होती है टायर रुक जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले आगे की ब्रेक दिखाई। इसका भी भाई कुछ नहीं बन पाया। अब हम नॉर्मल बाइक को रनिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी बाइक में क्या दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, बाइक स्टार्ट की भाई। ठीक है, देखो न्यूट्रल है, पहला गियर डाला, ले गए हम बाइक को। भाई आपने ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, मैं आपको हर बार यही चीज़ बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको बाइक को स्पीड में नहीं चलाना है। देखो भाई मैं से ज़्यादा तेज नहीं चलूँगा क्योंकि ब्रेक्स का भरोसा नहीं भाई। भले सड़क पर पानी नहीं है देखो आप, पर भाई ब्रेक्स का भी भरोसा नहीं है कि ब्रेक्स एकदम से लग जाएंगी या नहीं लगेंगी, तो भाई ब्रेक्स को लेके तो रिस्क वाला काम ही है। तो ब्रेक्स के भरोसे तो भाई मैं नहीं चल रहा हूँ। इंजन ब्रेकिंग का आप यूज़ कर सकते हो भाई, कि मतलब जैसे आप आए आप ही थोड़ा सा उसके बाद रेस को छोड़ दो जब बाइक को स्लो करना है। तो देखो बाइक की स्पीड देखो भाई ऑटोमेटिक ही स्लो होने लग जाती है, मैंने ब्रेक को यूज़ नहीं कर रखी। देखो भाई फिर देखो ये होती है भाई इंजन ब्रेकिंग, और इसका परफेक्ट यूज़ ऐसे में काम आ जाता है कि हमको ब्रेक नहीं भी लगाने ना तो एक टाइप से रुक जाती है। देखो मैंने ब्रेक लगाई, देखो भाई मैंने क्लच दबा के गेट डाउन किया, उसके बाद हम इजीली निकल गए। फिर ब्रेक लगाई पर क्लच नहीं दबाया। इंजन ब्रेकिंग का जितना यूज़ हो रहा है भाई मैं उतना यूज़ करते जा रहा हूँ साथ में, ताकि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, देखो आपको भी सिंपल भाई ऐसे ही चलना है। टॉप गियर में लगा दी मैंने बाइक, चौथे गियर में मेरी बाइक है, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं लेके चल रहा, बट इंजन ब्रेकिंग का साथ में यूज़ भी कर रहा हूँ भाई। तो भाई आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ भी साथ में करना सीख लो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देखो भाई अब मेरे को आगे बाइक गाड़ी है, अब मेरे को लग रहा है टर्न करने वाला है, तो मेरे को स्लो करने मैंने क्लच नहीं दबाया, हल्की सी ब्रेक दबाई और फिर से आगे को बढ़ाने लग गया। मतलब इससे क्या होता है भाई, जब हम क्लच नहीं दबाते ना तो हमारी बाइक डबल स्लो हो जाती है। मतलब अब देखो मैं क्लच दबा के ब्रेक लगाऊंगा, इतने से अच्छा मैं इसको छोड़ दूंगा ना, देखो बाइक में एक झटका आता है भाई घन वाला, जिससे हमारी बाइक इजीली खुद ही रुकने की कोशिश करने लग जाती है। तो आपको भी जितना हो सके भाई, जिस टाइम पे आपको लगे आपको आपकी ब्रेक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस टाइम पे आप इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो टर्न आ गया भाई, यहाँ से इंडिकेटर देके मैंने टर्न ले लिया। देखो यहाँ पर भी देखो भाई क्लच का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे को लगता है मुझे गियर डाउन करना है, तो अब मैंने क्लच का यूज़ करके गियर को डाउन किया। अदरवाइज देखो
फिर से नॉर्मल। क्लच का जितना कम यूज़ करो ना भाई उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी क्लच प्लेट्स भी ख़राब नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, हमारी क्लच प्लेट्स हमेशा सेव रहती है अगर हम क्लच का यूज़ कम से कम करते हैं। ठीक है, देखो जैसे आ गया मैं अब टॉप स्पीड में हूँ। अब मेरे को अपनी बाइक भाई स्लो करनी है, मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूँ ना हमेशा। देखो हमें को बाइक स्लो करनी है तो देखो, मैंने सिर्फ रेस छोड़ी, अभी मैंने ब्रेक नहीं दबाई, देखो उस गाड़ी तक पहुंचने से पहले मेरी बाइक स्लो हो जाएगी। देखो यही चीज़ भाई मैं आपको समझा रहा था, अगर जब कभी बारिश के टाइम पे आपकी ब्रेक काम ना करे तो आप इंजन ब्रेकिंग का सहारा लो। वैसे तो भाई काम करती है, आप इसको हल्का हल्का पीछे वाली ब्रेक पे भाई फोकस ज़्यादा रखना, आगे का यूज़ मत ही करना क्योंकि आगे का भरोसा नहीं, क्या पता एकदम से टायर जाम हो जाए जिसके कारण आपकी बाइक फिर स्लिप भी हो सकती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है भाई, आराम से बाइक को निकालो, कोई जल्दबाजी नहीं। और क्योंकि भाई हमारी बाइक्स पे ना ब्रेक्स इस हिसाब से नहीं है कि हम जहाँ पे रुकेंगे वो रुक जाएगी। देखो झटका मारते मारते रुक रही है भाई मेरी बाइक भी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पानी चला गया बट अभी मैं नॉन स्टॉप 1.5-2 घंटे से बाइक कहीं से चला के हुए आ रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे पता है मेरी बाइक के ब्रेक्स में अच्छा खासा पानी जमा हो रखा है। देखो भाई इधर जमा हो रखा है जैसे पानी, तो इससे पता लग जाता है कि अच्छी खासी बारिश हुई है। जिस तो भाई आई होप आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। जब भी बारिश वाली सिचुएशन हो तो कंट्रोल अपनी स्पीड को करो, दूसरा ब्रेक का यूज़ जितना कम हो सके, मतलब जितने आपको लगे कि हम इसका कम यूज़ करें उतना ही ठीक है, क्योंकि भाई ब्रेक के भरोसे मतलब कॉन्फिडेंट मत रहना बारिश के टाइम पर। और तीसरा इंजन ब्रेकिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी बाइक या फिर आपकी ब्रेक्स आपका साथ नहीं दे रही है तो। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें भाई इनके ऊपर काम करो, बाकी भाई अगली वीडियो मैं रेनिंग वाले में लेके आऊँगा, मतलब जब बारिश बिल्कुल चल रही होगी ना उस टाइम पे, जब सड़कों पे नॉन स्टॉप पानी रहता है तो उस टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगा। बट ये प्रैक्टिकल और थ्योरी वाला था भाई, कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या क्या डील कर सकते हो। पहले तो भाई आपको स्पीड नहीं करना है, दूसरा भाई मैंने आपको टर्न का बताया, आपको लीन बिल्कुल होकर टर्न नहीं करना है गाड़ी को बिल्कुल भी, क्योंकि बाइक स्लिप हो सकती है। तो भाई ये ओवरऑल 2-3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर काम करो। उसके बाद भाई जैसे ही मेरे को लग रहा है मौसम गड़बड़ है तो जब भी सड़क पे पानी आएगा उस टाइम पे मैं चलती हुई बारिश में एक बार वीडियो बनाऊंगा, जिससे भाई आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।